कैश वाहन चालक लुटेरा नागपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा। लकड़गंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में कैश जमा करने वाली एजेंसी में बतौर वाहन चालक था। वाहन में कितनी कैश है उसे पता होता था। उसने अपने साथियों को कैश वाहन लूटने की टिप दी। 6 जुलाई को लूट की वारदात के बाद वह अपने हिस्से के 2,12,000 रुपए लेकर वह नागपुर आ गया था। गुरुवार को शाम करीब 4:15 पर इतवारी निकालस मंदिर चौक में संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और दुभाषी की मदद से उससे पूछताछ की। उसके पास से बरामद रकम के बारे में पूछने पर उसने उड़ीसा में कैश वाहन लूटने की बात बताई। इसकी उड़ीसा पुलिस को जानकारी दी गई। शुक्रवार को उड़ीसा पुलिस की टीम नागपुर पहुंची और जब्त कैश के साथ उसे ले गई। निरीक्षक अमिता जयपुरकर, उप निरीक्षक धीरज मसराम, अरुण धर्मे, महेश यादव, अभिषेक शनिवारे और शकील शेख ने कार्रवाई की। CMS जो वैन रहती है कैश सप्लाई करने वाली, वो लूटी गई है और मुझे भी कनपट पे बंदूक लगा के ये किया था और उसमें की कैश मुझे भी दी गई, इसलिए मैं इधर लाया गया। आगे की तफ्तीश उड़िया पुलिस कर रही है। उड़िया पुलिस में 395 और 120B दाखिल है और आगे की तफ्तीश के लिए उड़िया की टीम आ रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक मानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।